मेरा नाम है रायान। आज की वीडियो में एक धमाकेदार चीज की मैं अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ। इस बॉक्स के अंदर बंद है आरसी राजस्थानी डीजे ट्रक। बहुत धमाका होने वाला है गाइस आज की वीडियो में। इसकी फाइट आज मैं कराने वाला हूँ डिफेंडर सिक्स व्हील आरसी ट्रक के साथ। चलो गाइस फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है, देखते हैं ये ट्रक चलने में किस तरह से चलती है। लेट्स स्टार्ट। वैसे पहले राजस्थानी डीजे ट्रक को ही यहाँ से मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यार, बॉक्स को मैंने कट कर दिया है। ये जो ट्रक है ना भाई साहब, इसके अंदर मैंने बहुत सारी मॉडिफिकेशंस भी कर रखी है। आप इसको एक बार देख लो ना गाइस, आप खुद हैरान रह जाओगे। ओके, तो बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है, अभी निकालते हैं एकदम धमाकेदार चीज। भाई साहब काफी ज्यादा भारी भरकम है यार ये तो। और ये जो चीज देख रहे हो गाइस, पूरा का पूरा लकड़ी का बना हुआ है, इस वजह से इसका वेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऊपर शायद यहाँ पर मेटल वगैरह लगा रखा होगा। और इसका डेकोरेशन देखो यार, बहुत मस्त तरीके से कर रखा है। सामने से अगर आप इसको देखो ना गाइस, ऐसा लगेगा कि ये एक बोलेरो आरसी पिकअप ट्रक है। अगर आप इस राजस्थानी डीजे ट्रक को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर आपको व्यू प्रोटेक्ट बोल के दिखाई देगा, उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक आपको मिल जाएगा। सामने देखो गाइस, एंटी कोलिजन बम्पर लगा रखा है, नीचे बहुत सारे शॉक एब्जॉर्बर्स और बहुत सारी मॉडिफिकेशन की है मैंने, सारी चीजें आपको बताऊंगा। साइड से इस तरह का दिखाई दे रहा है। पीछे देखो यार, एकदम धमाकेदार स्पीकर यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारी चीजें लगाई गई है, जैसे कि यहाँ से आप इसका वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे ऑक्स का 3.5 mm जैक दे रखा है। आप चाहे तो यहाँ पर पेन ड्राइव वगैरह भी लगा सकते हो, यहाँ से इसको डायरेक्ट चार्ज कर सकते हो। इसका रिमोट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा गाइस इसका रिमोट कंट्रोलर। यहाँ पे इसकी स्टीयरिंग है, यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स है, यहाँ पे इसका ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पे एक एलईडी इंडिकेटर मिल जाती है। इसको पूरी तरीके से मॉडिफाई करने में तकरीबन 6,000 से 7,000 रुपयों का खर्चा आया था। ये रहा इसका नीचे का पार्ट। देखो गाइस, जब मैंने इसको अमेजोन से खरीदा था, ये जो पार्ट है यहाँ पर लगा हुआ था। सारी की सारी चीजें मैंने चेंज करके ये पार्ट यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। अब ये इसका ऊपर का पार्ट मैं हटा देता हूँ। अभी देखो यार, यहाँ पर है इसकी बहुत सारी अमेजिंग चीजें, और इसके अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन की है, ऐसी प्रोग्रामिंग की है कि ये जो ट्रक है ना यार, एकदम गजब तरीके से नाच भी सकता है। आज इसको मस्त तरीके से नचा के भी मैं बताने वाला हूँ। और बैटरी तो भाई साहब एकदम नंबर वन डाली है मैंने, देख सकते हो 7.4 वोल्ट की बैटरी है, 1600 mAh बैटरी है गाइस। और इस ट्रक का मैंने थोड़ा सा वेट भी बढ़ा रखा है यार, सामने की तरफ भी मेटल की चीजें लगा रखी है ताकि इसको एकदम बैलेंस करके मैं चला सकूं। चलो गाइस अभी दूसरे वाले ट्रक को भी अनबॉक्स करते हैं। ये डिफेंडर सिक्स व्हील ट्रक के अंदर भी मैंने थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर रखी है, वो भी आपको बताता हूँ फटाफट से। चलो गाइस इसको भी निकाल लेते हैं यहाँ से। ये देखो यार, निकाल लिया मैंने। ये जो ट्रक है ना यार, पूरा का पूरा सिक्स व्हील ड्राइव है। इसको निकाल लेते हैं यहाँ से। इसके पीछे मैंने एक ब्लूटूथ स्पीकर लगा रखा है, और इसके अंदर बहुत गजब तरीके से आज गाने वाने भी बजाने वाला हूँ मैं। ये ट्रक को यहाँ पे रख देते हैं। इसके साथ मिलता है इस तरह का रिमोट कंट्रोलर। रिमोट कंट्रोलर की क्वालिटी ठीक ठाक है। इसका प्राइस है 4,000 rupees। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अमेजोन का, वहां से अगर आप चाहे तो इसे खरीद सकते हो। इसके अंदर भी एकदम तगड़ी वाली बैटरी मैंने डाल रखी है, 7.4 volt 1600 mAh की बैटरी इसके अंदर डालकर मैच चलाने वाला हूँ। तो गाइस दोनों को साइड बाय साइड मैंने रख दिया, अभी कंपेयर करके मैं आपको बताता हूँ दोनों में से कौन तगड़ा लग रहा है। अपना राजस्थानी डीजे ट्रक है, बहुत ज्यादा बिग साइज इसका भी है, और इसके व्हील्स भी देखो यार कितने ज्यादा बड़े बड़े दे रखे हैं। पर इसके अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि गाइस ये पूरी तरीके से सिक्स व्हील ड्राइव है, 6 के 6 व्हील्स इसके एक साथ काम कर सकते हैं। इसके अंदर भी एकदम गजब तरीके के शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं। ये जो ऊपर का पार्ट है और ये जो पीछे का स्पीकर है, अमेजोन से जब खरीदेंगे तो ये सारी चीजें मिलती है। ये जो नीचे का पार्ट है, इसके व्हील्स और इसके शॉक एब्जॉर्बर और इसकी बैटरी, ये सारी की सारी चीजें मैंने मॉडिफाई करके लगाई है। खरीदते वक्त आप एक बार सारी चीजें चेक कर इसे खरीद लेना गाइस। चलो भी चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं गाइस आज दोनों में से कौन जीतता है। लेट्स गो एंड फाइट। ओके गाइस, सबसे पहले देसी राजस्थानी डीजे सेट को ऑन कर देते हैं। अभी देखो यार, इसके अंदर मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करने वाला हूं, अभी बजाते हैं इसके अंदर कुछ सॉन्ग्स। ओ माय गॉड, इसकी आवाज तो सुनो यार, एकदम गजब तरीके से बज रहा है। एक काम करते हैं, इसको बाहर लेके जाते हैं और चलाते हुए इसके अंदर सॉन्ग भी बजाएंगे गाइस। ये चलते हुए इस तरह से डांस भी कर सकता है, व्हीली भी मार सकता है। बेस की आवाज सुनो गाइस, ओहो क्या स्पीकर दे रखा है यार, एकदम गजब तरीके से बज रहा है। ओ
और भाई स्पीकर छोटा है पर एकदम लाउडली बजने लग रहा है, मजा आ गया गाइस इसको चलाकर। अब इसका स्पीकर मैंने बंद कर दिया, अब इसको एकदम स्पीड में चला के देखते हैं गाइस इसकी कंट्रोलिंग किस तरह की है। ओके यहां से मैं टर्न करा रहा हूं, एकदम प्रॉपर तरीके से इसने टर्न ले लिया है। ज्यादा वेट होने के कारण जब मैं इसको टर्न करा रहा हूं तो थोड़ा सा एक तरफ झुक रहा है। अभी देखो यार जस्ट मेरे को इसका जो ट्रिगर है ना थोड़ा सा ज्यादा स्पीड से दबाना है, ये इस तरह से व्हीली मारने लगता है भाई साहब। तो चलो गाइस अभी ये विदेशी डीजे सेट को भी ऑन करके देखते हैं ये किस तरह से बजता है। ओहो बेस एकदम तगड़ा आ रहा है इसके अंदर से भी भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि अभी ये फट जाएगा यार, इतना तगड़े तरीके से बज रहा है। ओहो मजा आ गया गाइस। साउंड टेस्टिंग, वाओ यार पूरी की पूरी कार हिल रही है, इतना ज्यादा भयंकर तरीके से इसके अंदर से वाइब्रेशन आ रहा है। ओह माय गॉड गाइस, दोनों कार्स के अंदर की जो ऑडियो सिस्टम है एकदम तगड़ी यार, दोनों के अंदर कोई फर्क लगा नहीं मेरे को, दोनों का ही डीजे सेट एकदम मस्त तरीके से बज रहा है, दोनों के बीच में यहाँ पे टाई हो चुका है। चलो इस कार को चला के अभी इसकी कंट्रोलिंग भी टेस्ट करके देख लेते हैं यार, पीछे थोड़ा सा वेट ज्यादा हो चुका है इस वजह से कार को कंट्रोल करना थोड़ा सा मेरे को दिक्कत लग रहा है, बहुत मुश्किल से हो रही है। अगर मैं इसको ज्यादा स्पीड से चला रहा हूं तो ये थोड़ी सी अनकंट्रोल हो रही है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा एक तरफ ये भी झुकने लगी है। ओ भाई साहब ये तो गिरी गई यार। दोस्तों अभी कराता हूं मैं दोनों के बीच में रेस, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा फास्टेस्ट डीजे सेट। यहां पर लगभग दोनों के बीच में बहुत ज्यादा टफ फाइट चल रही है, और जैसे यार थोड़ा सा धक्का लगा देखो अपने सिक्स व्हील ड्राइव पूरी तरीके से नीचे गिर चुकी है। अभी ये कार देखो यार एकदम परफेक्ट तरीके से चले जा रही है, पीछे पीछे से वापस से आ चुकी है अपने सिक्स व्हील ड्राइव आगे कर, और इसको टेक ओवर करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। स्पीड तो ज्यादा दे रखी है पर इसको कंट्रोल करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। थोड़ा सा टर्न करा रहा हूं तो ये कुछ ज्यादा ही टर्न ले रही है। ओ माय गॉड अभी गिरते गिरते रह गए यार, जैसे तैसे मैंने इसको कंट्रोल कर लिया है, ये देखो इस धड़ाम से नीचे गिर चुके। क्लियरली इस रेस को अपनी राजस्थानी डीजे सेट जीत चुकी है। अभी दोनों के बीच में पुश बैक कराते हैं गाइस, देखते हैं दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को वीली मारकर पीछे टेकने की कोशिश कर रहे थे, पर अपना डीजे राजस्थानी पिकअप ट्रक इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने एक सेकंड के अंदर हरा के रख दिया यार सिक्स व्हील ड्राइव आरसी कार को। अभी कराते हैं दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर, देखते हैं गाइस इस बार कौन जीतता है। वापस से मेरे को लग रहा है कि गाइस अपना डीजे राजस्थानी पिकअप ट्रक ही जीतने वाला है। देखो यार ये सिक्स व्हील ड्राइव होने के कारण भी कुछ नहीं कर पा रही है, इतने तेजी से इसके व्हील घूम रहे हैं, पर अपना राजस्थानी डीजे सेट देखो यार बड़ी आराम से इसको घसीट के लेके जा रहा है। मेरे को लग रहा है कि भाई साहब अभी इसको कीचड़ में डालने वाला है। ओ माय गॉड इतना इजी तरीके से हार जाएगी यार, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था अपनी सिक्स व्हील ड्राइव आरसी कार, सच में यार अपना राजस्थानी डीजे पिकअप ट्रक बहुत ज्यादा पावरफुल है। अभी सिक्स व्हील ड्राइव आरसी कार का वेट पुल टेस्ट मैं करने वाला हूँ। स्केटबोर्ड के ऊपर मैंने ढेर सारी ईंटें जमा रखी है, देखते हैं गाइस इतना ज्यादा वेट ये खींच पाती है या नहीं। यार मेरे को तो लगा था कि ये नहीं खींच पाएंगी, पर देखो यार जैसे ही मैंने इसके अंदर फुल ट्रिगर दबा दिया ये धीरे धीरे से आगे की तरफ मूव करने लग रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सिक्स व्हील ड्राइव होने के कारण इसको एकदम यहाँ पर मस्त वाली ग्रिप मिल पा रही है, पर इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी यहाँ पर कम हो चुकी है। अभी सेम टेस्ट करने वाले हैं अपने आरसी राजस्थानी डीजे ट्रक के साथ, देखते हैं गाइस ये इतना ज्यादा वेट खींच पाता है या नहीं। यार ये फोर व्हील ड्राइव है, पर देखो गाइस बहुत ज्यादा इजी था यार ये डीजे सेट के लिए तो इतना ज्यादा वेट खींचना। क्लियरली यहां पर जीत चुका है अपना राजस्थानी डीजे सेट वेट खींचने के मामले में। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इन दोनों में से कौन सा डीजे पिकअप ट्रक पसंद आया। चलो गाइस अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। पहला नाम आ जाता है राजा, फहीम, अमृत, रितेश, रमेश, मसूद, श्रीनिवास, संस्कार, सुशांत, सोवित। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। बाय दोस्तों।